प्रयागराज से जहां मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में 20वां वार्षिक दीक्षांत समारोह मनाया गया। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना, बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध, सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के प्रयागराज से जहां आज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद 2024 इन्फोसिस लिमिटेड के संस्थापक और मानद अध्यक्ष डॉक्टर नागवारा रामरा राव नारायण मूर्ति ने इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बनने और दीक्षांत भाषण देने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक लाल ऑनलाइन दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर आनंद के त्यागी दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। संस्थान के निदेशक सीमेंट के अध्यक्ष प्रोफेसर रमाशंकर वर्मा, अधिष्ठाता प्रोफेसर ए.एल.के. मिश्रा, सीमेंट सदस्य शैक्षणिक विभागों के विभाग के अध्यक्ष तथा कुल सचिव डॉक्टर रमेश पांडे इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस समारोह में कुल 1670 उपाधियां प्रदान की जाएंगी। देखें यूपी सेंट्रल से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। जा रहा है वो 18 अगस्त को शाम 4 बजे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में होगा और इसके मुख्य जो हमारे गेस्ट हैं वो श्री नारायण मूर्ति जी हैं और हमारे दो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हैं और ए.के. त्यागी जी वाइस चांसलर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हैं। इसमें करीब 1670 डिग्रियाँ देंगे और जो डिग्रियों का जो आंकलन है वो इस प्रकार है। बीटेक में हम दे रहे हैं 985, मास्टर टेक्नोलॉजी में दे रहे हैं हम लोग 414, मास्टर ऑफ कंप्यूटर MCA जो कहलाता है उसमें 4, MBA के दे रहे हैं 29 और मास्टर ऑफ साइंस के 27 और PhD 111 हैं जो कि पिछले से करीब 20 ज़्यादा हुए हैं। हम लोग गोल्ड मेडल करीब 60 देंगे। इस गोल्डन मेडल में इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल हैं UG के लिए और इंस्टीट्यूट PG के लिए और कुछ स्पॉन्सर्ड बन रहा है। बेटियों का परफॉर्मेंस इस समय 333 लड़कियाँ हैं टोटल और ये 333 लड़कियाँ जो पिछले से करीब 10% ज़्यादा हुई है। टोटल परसेंट अगर आप देखेंगे तो करीब 20% के अंदर आती है। तो अपने मेंटर फैकल्टी से बात कर सकते हैं। तो मेंटर स्टूडेंट्स का ये रेशियो बनाया गया है, ये नया इनिशिएटिव किया गया है यहाँ पे और मैं कुछ आप लोग इंटरनेट पर जाके नारायण मूर्ति के बारे में पढ़ भी सकते हैं लेकिन बताते हैं उनका फेलियर भी बहुत हुए, उनके सक्सेस के पीछे बहुत सारी फेलियर किए हैं। मैंने देखा है कि उन्होंने 2-3 कंपनियां शुरू की शुरू में और सारी फेल हो गई। फिर बाद में उन्होंने 6 लोगों ने मिलकर के इन्फोसिस शुरू की, तब जाके वो सक्सेस आए। तो व्हाट इट शोज बेसिकली कि इंडिपेंडेंटली यू कैन डू इट, इफ यू आर इन ग्रुप वी कैन डू मच बेटर थिंग्स। तो ये मैसेज हमने जब पढ़ा तो अच्छा लगा मेरे को और ये सही भी चीज है। उसी तरह हमारा जो रिसर्च होता है, हम लोगों ने इंटर डिसिप्लिन पे हमने बहुत जोर दिया। IIT मद्रास नंबर 1 इस समय एंड आई स्पेंड 20 ईयर्स एज ए प्रोफेसर इन IIT मद्रास। हम लोग जो रिसर्च करते थे वो कई डिसिप्लिन के साथ मिलकर करते थे। ये चीजें हमने उत्तर प्रदेश में नहीं देखी। मेन चीज है अभी हॉस्टल में स्टूडेंट को रुकने की समस्या है क्योंकि एक रूम में 3 लड़के रह रहे हैं शुरू में, फिर 2 हो जाते हैं, फिर 1 हो जाते हैं। हम समझते हैं कि कम से कम 2 सीटर तो होने चाहिए, 3-4 नहीं होने चाहिए सीटर क्योंकि स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो अभी हॉस्टल बनाने की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर फैकल्टी का बैलेंस होता है, अभी देखिए हम लोग का हॉस्पिटल अच्छा हो गया है।